हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक यीशु ने निकोदिमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाना है। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बलि करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके काम नुमाया हो जाए। मगर जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है, ताकि उसके काम नुमाया हो, क्योंकि वो खुदा में किए गए हैं। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी स्ताईश हो।